हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो मैं आप सबके लिए आज बेस्ट गैजेट लेके आया हूँ जो दिखने में बहुत ही शानदार है। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि सुबह किस चीज़ से होती है। ओके, सोचिए किस चीज़ से होती है। आप सोच रहे होंगे मोबाइल से, कुछ रहे होंगे किसी की गर्म चाय से, किसी की गर्म कॉफ़ी से। तो हमारी शुरुआत होती है एक अलार्म क्लॉक से। ओके, तो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एजेंडा की डिजिटल टेबल क्लॉक। इसकी मैं फुल एक्सप्लेनेशन दे दूँगा आपको और इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। और इसलिए परचेस करनी चाहिए, क्यों परचेस करनी चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है यार, स्टार्ट किया था। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इसका लुक है, आई लव इट, बहुत ही बढ़िया लुक है इसका। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर प्रेस बटन दिया गया है लाइट्स में। ओके, तो पहले क्लॉक टेबल क्लॉक बाद में देखते हैं, पहले इसके फीचर्स की बात कर लूँ आपको। फीचर्स में आपको दिया गया है डे, दिया गया है डेट, दी गई है मंथ, दिया गया है डिस्प्ले में। ओके, तो यहाँ पे आप डे मंथ और डे यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हो। ओके, जैसे कि आप और साथ में साथ ओके टाइम हावर मिनट्स डिस्प्ले, टेम्परेचर डिस्प्ले, टाइमर फंक्शन 100 ईयर्स कैलेंडर, ये बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 100 ईयर कैलेंडर्स भी यहाँ पे दिया गया है। 12 hours और 24 hours में भी टाइम फंक्शन होगा यहाँ पे। ओके, अलार्म फैसिलिटीज़ दी गई है। ओके, अलार्म फैसिलिटीज़ दी गई है, LED बैक लाइट भी दी गई है डिस्प्ले में। ओके, जैसे कि बैक LED, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिग LED डिस्प्ले, यहाँ की आप देख डिस्प्ले भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, डिस्प्ले भी बहुत बड़ी है। ओके, और एलिजेंट लुक तो आप देख ही भी रहे हो यार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जनरली मैं आपको ये टेबल वॉच क्यों दिखा रहा हूँ। ओके, और सबसे पहली बड़ी बात कि ये आपको क्यों परचेस करनी चाहिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको परचेस करने के लिए बहुत सारे रीजंस है, पहला रीजंस मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजंस को ये है कि दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठने के लिए ये काम आ जाएगी। ओके, सुबह जल्दी उठने के लिए बेस्ट डिजिटल क्लॉक है। ओके, इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं वो मैंने आपको बताए। आप सोच रहे होंगे कि अलार्म तो हम अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना फ़ोन चार्ज ना हो, रात में दिक्कत आती है लेट नाइट अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो। ओके, और बैटरी वगैरह नहीं रहती और आप चार्ज में रख नहीं पाते, किसी जगह पे ट्रैवलिंग में गए हो। ओके, तो उस टाइम आपको यूज़फुल है, बहुत सारी जगह पे यूज़फुल है। तो पहली बात हो गई हमारी कि सुबह उठने के लिए। दूसरी बात करूँ आपको कि हम मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल को थोड़ा रेस्ट दे के हम ये इसका यूज़ करें। क्यों? क्योंकि मोबाइल का एडिक्शन अभी यहाँ पे इंडिया में सोच लो, यार कि पूरी कंट्री में पकड़ लो। ओके, पूरा वर्ल्ड पकड़ लो, तो बहुत सारी जगह पे मोबाइल एडिक्शन बढ़ चुका है। ओके, तो उस एक छोटी सी बीमारी के लिए भी आप जो मोबोफॉमिक बीमारी है मोबाइल एडिक्शन की, उससे भी छुटकारा मिल सकता है ना कुछ परसेंटेज। ओके, तो उसके लिए भी आप ये अलार्म क्लॉक यूज़ कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात बता दूँ, अब सबसे मेन रीज़न कि जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, जिन लोगों को स्कूल्स में या हॉस्टल्स में या फिर घर में फ़ोन अलाउज नहीं है, जहाँ पे हॉस्टल में फ़ोन अलाउज नहीं है जो स्टूडेंट, तो उन लोगों को हम ये दे सकते हैं। हालांकि अभी कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों को अभी फ़ोन नहीं दे सकते। ओके, अगर आपने दिया है तो वो अलग बात है, लेकिन 90% लोग अभी स्टूडेंट को फ़ोन पर्सनली नहीं दिलाते, तो उन लोगों को एक अलार्म क्लॉक तो दिला ही सकते हो, अलार्म क्लॉक दिला ही सकते हो। ओके, ये थर्ड रीज़न है, बहुत ही मोस्ट थर्ड रीज़न है। ओके, और बच्चों को अगर फ़ोन से थोड़ा दूर रखना है तो ये भी दिला दो, क्योंकि थोड़ा सा वो दूर रहेंगे अगर सुबह उठेंगे तो मोबाइल डायरेक्ट मोबाइल पे हट ना जाए, इसके लिए ये अलार्म क्लॉक दिला दो। ओके, तो ये हुई हमारे थर्ड पॉइंट में भी इसके अंदर डीप वाली बात। ओके, मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, इसे आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि ये हर जगह पे रखने लायक है, अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में अपने टेबल्स पे भी रख सकते हो। ओके, अगर आप अपनी शोपीस में भी रख सकते हो, आपके टीवी के पास, बेडरूम में या फिर कुछ एक्स्ट्रा रख सकते हैं, बहुत सारी जगह पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आप कार में भी रख सकते हो। ओके, कार में भी रख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही यूजफुल है कार में रखने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आप
कितने सारे लोगों को गिफ्ट दे सकते हो, ये आप बच्चों से लेके पकड़ लो, जो बच्चे पकड़ लो, ओके, स्टूडेंट पकड़ लो, जो हॉस्टल्स में रहते हो उन लोगों को पकड़ लो। दूसरी बात बताओ तो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, जिन लोगों को, जो लोग एज वाले हैं, जो एज वाले एजेड पर्सन हो चुके हैं, अपने दादा दादी हो गए, ओके, जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, जो ना बराबर करते हैं, जो अपना छोटा सा फ़ोन यूज़ करते हैं, जो अलार्म, जो स्मॉल वाले अलार्म यूज़ करते हैं, छोटे वाले, उन लोगों को आप गिफ्ट दे सकते हो, ओके, ये हो गया। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोगों को ही दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हो, अपनी कार में रखने के लिए, जो लोग बहुत अच्छी सी कार चला है, जिस लोगों के पास बहुत ही अच्छी कार्स होगी, तो कार में आप रखने के लिए ये गिफ्ट दे ही सकते हो, क्योंकि कार में बहुत ही बढ़िया लुक्स दिखेगा इसका, ओके। तो मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात इसकी प्राइस की, तो प्राइस हमें ये 695, मतलब समझ लो कि 700 रुपये में हमको ये टेबल क्लॉक पड़ रही है अजंता की, और वो भी साल भर गारंटी के साथ में, ओके, जो कंपनी की कंडीशन आती है उसके हिसाब से। तो समझ लो कि ये हमको कितने सारे यूज में काम आएगी। पहला तो मैं सोचता हूँ कि इसका जो लुक्स है ना, उससे बस ख़त्म हो गई बात, इस लुक से ही मुझे तो घड़ी चाहिए, बस चाहिए। आप कितने लोगों को श्योर है प्लीज़ कमेंट कीजिए जो लुक्स के घड़ी लोगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार इस लुक को अगर कार्ड में रखोगे, वाह क्या यार, ओके। और दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे इसको टाइम सेटिंग आपको बता दूँ कि टाइम सेटिंग कैसे करते हैं, ओके। टाइम सेटिंग बहुत ईजी है, यहाँ पे पीछे की साइड देखोगे तो 5 बटन दिए गए हैं, ओके, पीछे की साइड आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बटन है वो मूड का है, दूसरा बटन है वो सेट का है, तीसरा बटन अप का है, चौथा बटन डाउन का है, और लास्ट बटन है जो पाँचवा वो अलार्म का है, अलार्म, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हम दबाएंगे मूड, अगर टाइम सेटिंग करना हो आपको तो मूड दबाएंगे, मूड सेट करेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे मूड दबाएंगे, जैसे ही मूड दबाओगे तो यहाँ पे ब्लिंकिंग ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ब्लिंकिंग होनी, तो उसके बाद हम सेट दबाएंगे, ओके। और जैसे ही सेट दबाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है, अभी टाइम हुआ है 10:08, 22:08 हुए, 10 मतलब 10:08 हुए, ओके। तो यहाँ पे हम ये सेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं 8 सेट कर देता हूँ, सॉरी 10, और मिनट्स, और यहाँ पे हमारा 10 सेट हुआ। उसके बाद हम मिनट्स में जाने के लिए हम सेट वापस दबाएंगे, ओके। यहाँ मतलब आपका हावर्स में टाइम सेट हो गया, और अब मिनट्स में टाइम सेट करने के लिए आप वापस सेट दबाओगे, और मिनट सेट करने के लिए आप वापस अब दबाओगे, ओके। और अब हम दबाते हैं अभी जो मिनट्स हुई है वो 9 मिनट्स हो चुकी है, 10:09, तो हम यहाँ पे 9 मिनट सेट कर देते हैं, और यहाँ पे वापस सेट दबाओगे तो यहाँ पे ये ईयर ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ईयर में सेट करेंगे 2021, और 21 सेट हो गया। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे मंथ पे, ओके। और मंथ पे आएंगे तो हम मंथ सेट करेंगे आज 7वां महीना, और यहाँ पे डेट सेट करेंगे आज कौन सी डेट हो गई, 9 तारीख हो चुकी है, ओके। और यहाँ पे ये डे जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, ओके। जैसे ही आप डेट सेट करोगे ईयर के हिसाब से, तो यहाँ पे फ्राइडे है वो अपने आप सेट हो जाएगा, ओके। और ये सब सेट हो जाने के बाद हम वापस सेट दबाएंगे, ओके। सेट दबाएंगे और उसके बाद ये हमारा टाइम सेट हो गया 10:10, ओके ओके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर्स है, टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में भी दिखा रहा है, और यहाँ पे सेल्सियस में भी दिखा रहा है, ओके। तो ये हम सेट करते हैं टेम्परेचर, मैं आपको दिखा दूँ टेम्परेचर, ये हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया टेम्परेचर, ओके। और यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में दिखा रहा है, ओके। और बड़ी बात करो तो यहाँ पे जो अलार्म्स दिए गए हैं, अलार्म्स के म्यूज़िक दिए गए हैं, वो म्यूज़िक 9 प्रकार के म्यूज़िक्स है, मतलब सोचिए आप 9 प्रकार के म्यूज़िक रख सकते हो, ओके। ये बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप किसी के बर्थडे में ये गिफ्ट दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया। देखो एक ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ओके, तो इसके बारे में कमेंट कीजिए प्लीज़, ओके। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अभी नाइट्स में 10 बज रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये टाइमिंग में AM PM सेट नहीं हुआ, तो ये जरा सेट कर देते हैं, चलो मेरी गलती थी, तो यहाँ पे मैंने PM में टाइम सेट, तो ये हमारा PM में टाइम हो गया, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कीजिए, और दूसरी बात बता दूँ ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर थोड़ी सी भी मेरी तरफ से आपको हेल्प मिले, नॉलेज बढ़े आपकी, मैं वैसी ही वीडियो दूंगा आपको। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।